हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज का हमारा ब्लॉग है तिलवारा घाट, तो बने रहिए आज के ब्लॉग में निखिल के साथ। और पूरा तिलवारा घाट में आपको आज विज़िट कराने वाला हूं, और यहां नियर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहां आप घूम सकते हैं, सारी प्लेसेस में आपको लेके चलूंगा। तो आज आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए निखिल के ब्लॉग में, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आज के ब्लॉग में, निखिल के ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज के ब्लॉग में हम आए हुए हैं तिलवारा घाट, तो मैं आपको जो है तिलवारा घाट का व्यू दिखाने वाला हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का ब्लॉग जो है तिलवारा घाट का। तो हम आज आपको पूरा तिलवारा घाट एक्सप्लोर करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ अपना ब्लॉग माँ नर्मदा के दर्शन करके। आप भी माँ नर्मदे के दर्शन कीजिए और बोलिए नर्मदे हर 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 महादेव। अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधा घाट की तरफ, जहाँ मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बताऊंगा यहाँ क्या स्पेशल है, कहाँ क्या चीज़ें आपको यहाँ देखने लायक हैं, यहाँ का सौंदर्य कैसा है, कितनी क्या ब्यूटी है। ये देखिए हम आ चुके हैं छोटे पुल की तरफ। ये है छोटा पुल और यह है तिलवारा घाट। अभी तो यह बरसात का टाइम चल रहा है, लेकिन तो देखिए दोस्तों यहाँ का विहंगम दृश्य। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर बड़ा पुल है और एक नया पुल है, और ये है छोटा पुल, और ये काफ़ी छोटा पुल जो है पुराना है अंग्रेज़ों के समय का। और यहाँ जैसे आप नौकायान करना चाहते हैं तो नौकायान भी कर सकते हैं, लेकिन अभी देखिए बड़ा पुल जो एक अभी बने हुए हैं, नया पुल तो अभी बना हुआ है, बड़ा पुल भी काफ़ी जो है पुराना हो चुका है। और यहाँ पे देखिए एक ऐसा आस्था का केंद्र है जहाँ जबलपुर वासी पूरा संस्कार धानी आता है। और यहाँ पे आपको दिख रही होंगी दूर दूर तक पूजा की दुकानें हैं, लोग नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यहाँ तक लोग डुबकी लगा रहे हैं। एक ऐसा आस्था का केंद्र है ये जबलपुर वासियों के लिए, मध्य प्रदेश में जो यहाँ की नर्मदा माँ है, यहाँ की जीवनदायिनी है। यहाँ देखिए आप लोग पूजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बच्चे यहाँ अठखेलियाँ कर रहे हैं, डुबकी कर रहे हैं। यहाँ पर अभी जो है बरसात का समय है, लेकिन अभी पानी इतना नहीं गिरा है, नहीं तो जो पानी का लेवल होता है उसमें ये जो पुराना छोटा पुल आप देख पा रहे हैं ना, ये सारा पुल डूब जाता है, इतना हाई पिच पे यहाँ पानी आ जाता है। यहाँ तो यहाँ खड़े रहने की भी जगह नहीं होती है, पूरा ये जो है आप देखते हैं पानी में समा जाता है। लेकिन अभी जो है बारिश इतनी हुई नहीं है, इसलिए जो है यहाँ का भी लेवल काफ़ी कम है। इसलिए देख ही रहे होंगे आप, बच्चे नहा रहे हैं, अठखेलियाँ भी कर रहे हैं, और यहाँ का विहंगम दृश्य आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे फिल्म की शूटिंग वगैरह भी होती रहती हैं। और इस संस्कारधानी का इतना आप कह सकते हैं पॉजिटिव जो है यहाँ प्लेस है कि आप यहाँ के अगर आप अशांत भी हैं, 2-5 मिनट अगर आप बैठ जाएंगे तो आपके मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। माँ नर्मदा के दर्शन करके, उनके जल को स्पर्श करके, आपको एक अद्भुत जो है एक शक्ति का अनुभव होता है यहाँ पर। यहाँ पर संस्कारधानी की बड़ी आस्था है। यहाँ पे आप पूरा देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अठखेलियाँ कर रहे हैं, पानी में मस्ती कर रहे हैं। हालांकि जहाँ ये पिलर्स लगे हुए हैं ना, यहाँ तक सारे में चट्टान है, यहाँ पे गहरा नहीं है जहाँ तक पिलर्स वगैरह हैं, इसके आगे से जो है पूरा यहाँ पे गहरा है। और दूर दूर तक देखिए आप कितना भीड़ है, कितना रस है। लेकिन अभी तो इतना भीड़ नहीं है, अगर कोई तिथि होती है या प्रदोष है, एकादशी है, अमावस है, उन दिनों पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ पैर रखने भी जगह नहीं होती है, इतनी लोगों की यहाँ दर्शन वाले श्रद्धालुओं की भीड़ होती है यहाँ पर, कि काफ़ी भीड़ वगैरह होती है। और नर्मदा जयंती पर तो यहाँ विशेष कार्यक्रम होता ही है, जिसमें यहाँ चारों साइड भंडारे वगैरह होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, ऑर्केस्ट्रा जगराता होता है। अगर आप कभी जबलपुर आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा और विज़िट कीजिएगा और ख़ुद ही अनुभव कीजिएगा तिलवारा घाट का। और जो है यहाँ पे अभी नर्मदा जयंती के अगर उपलक्ष्य पे आप आते हैं तो यहाँ तो आपको एक अलग ही पूरा देखने को मिलेगा, कि एक अलग ही लेवल का यहाँ पे जो है कार्यक्रम होता है। इसमें सारा व्यू देखा मैंने आपको, व्यू दिखाया, ये पूरा जो व्यू है तिलवारा घाट का, जहाँ पे देखिए लोग नहा रहे हैं, इसके अलावा नहा रहे हैं, पूरे में मस्ती कर रहे हैं। और ये नौकायान वगैरह अगर आप करना चाहें, अगर आप कभी जबलपुर आएंगे तो यहाँ तिलवारा घाट ज़रूर आइएगा, यहाँ पे नर्मदा जी के दर्शन कीजिएगा। जैसे नर्मदा आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश जबलपुर की जीवनदायिनी है माँ नर्मदा। मैं भी जो है वीकेंड्स पर यहाँ पे आता रहता हूँ, काफ़ी मन को सुकून मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है।
सो अगर आप जबलपुर आए कभी आते हैं तो तिलवारा घाट ज़रूर आइएगा। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसे आप लोकल भी हैं जबलपुर के भी हैं तो यहाँ पर आइएगा। अगर कभी आपका मन शांत अशांत है तो यहाँ पाकर थोड़ी देर बैठ भी जाते हैं ना तो आपको काफ़ी अच्छी फील आती है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा ये देखिए, मैं आपको और भी यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ, सो आप मेरे साथ बने रहिए निखिल के आज के ब्लॉग तिलवारा घाट। हेलो, तो अब हम छोटे पुल के इस पार आ चुके हैं इस साइड, तो आपको मैं यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मंदिर है, लोग पूजा कर रहे हैं, शिव जी भोलेनाथ का मंदिर है, हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है, ये देखिए भोलेनाथ की पूजा हो रही है। सो सावन के महीने में माँ नर्मदा के आप दर्शन कीजिए, जो यहाँ नहीं आ सकते तो घर बैठ कर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। देखिए गौ माता भी हैं आप, देखिए यहाँ से छोटे पुल से इस साइड से दोनों तीनों पुल का ये देखिए यहाँ पे मंदिर प्रांगण वगैरह बने हुए हैं, सारा मंदिर का प्रांगण यहाँ मंदिर वगैरह बने हुए हैं। ये यहाँ पे दुकानें हैं, अगर जैसे आप यहाँ आते हैं पूजा वगैरह करने के लिए तो यहाँ पे नारियल वगैरह प्रसाद वगैरह के लिए दुकानें होती हैं। और यहाँ पे जो अंदर आपको दिख रहा है एक मंडप है, यहाँ पे सुहागलें कथा वगैरह होती रहती हैं यहाँ पे अंदर, आप देख पा रहे होंगे अभी कुछ कथा वगैरह चल रही है। ये देखिए ये सारा व्यू है तिलवारा का। हेलो हेलो गाइस, जैसा कि आपने देखा मैंने आपको साइड के मंदिर दिखाए, टेंपल वगैरह दिखाए, ये जो है छोटे पुल के साइड है जहाँ पे कुछ कथाएं वगैरह होती रहती हैं, फंक्शन होते रहते हैं। अब जो है मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ शनि मंदिर की तरफ, आपको शनि मंदिर का व्यू दिखाऊंगा। यहाँ पे नर्मदा मंदिर जो यहाँ से जो बगल ही में शनि मंदिर है, तो अब मैं आपको इसके बाद लेकर चलता हूँ शनि मंदिर की तरफ। और भी मैं आपको एक बार पूरा यहाँ का तिलवारा का एक बार फिर से पूरा व्यू दिखा देता हूँ ऊपर से जाकर कि यहाँ का कैसा व्यू है। ये देखिए यहाँ पे लाइन से जो मैंने आपको बताया था कि पूजा का सामग्री की दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ से आप पूजा के लिए सामान ले सकते हैं, या गंगा जल के लिए बॉटल वगैरह यहाँ से मिल जाती है नर्मदा जल के लिए। और ये देखिए लोग किस तरह से नहा रहे हैं, मैं इस साइड का व्यू दिखा रहा हूँ अब आपको आगे का, देखिए सारा व्यू। ये सारा लास्ट तक जो आप देख पा रहे होंगे वहाँ तक सारी पूजा सामग्री की दुकानें हैं, ये लास्ट तक आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक सारा पूजा सामग्री वगैरह की ही दुकानें आपको दिखाई देंगी। और एक बार मैं आपको ये देखिए यहाँ से पुल का व्यू दिखा रहा हूँ, ये पुल का व्यू है जहाँ से ट्रक वगैरह ऊपर रहते हैं। एक नया पुल भी है, एक बड़ा पुल बोलते हैं इसको, और एक नया पुल है जो अभी कुछ टाइम पहले ही बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। देखिए लोग को मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ पे हर दिन ही भीड़ होती है, और सावन के माह में भी या कहें कभी भी हर दिन कुछ ना कुछ एकादशी है या त्यौहार में यहाँ भीड़ वगैरह होती है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं यहाँ सारी में। ये देखिए पर मैं आपको सारा व्यू दिखा रहा हूँ तिलवारा घाट का, कि अभी हम कहाँ थे और अभी हम कहाँ तक हैं। ये देखिए यहाँ भी नाव वगैरह लगी हुई हैं, उस नाव का विहार क्या अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर से पुल का भी। इसी तरह अगर मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं और मेरे वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से ब्लॉग बनाता रहूं, आपको दिखाता रहूं,
तो जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अब आप जबलपुर में कहाँ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये तलवारा घाट का मैं आपको सारा व्यू दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरे पीछे आप देख ही पा रहे होंगे। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक करें, कमेंट करें, और अगर जबलपुर के हैं तो कमेंट में बताएं कि आप जबलपुर से ही हैं। आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई भी करूँगा। सो वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट भी करें, लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्लॉग है आज का, मैं अपना अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त भी आया हुआ है जिसके साथ वो सेल्फी लेने में लगा हुआ है। सेल्फी का थोड़ा ज़्यादा शौकीन है तो जहाँ मौका मिलता है सेल्फी लेने लग जाता है। सो उसी के साथ ब्लॉग में आया था मैं आज। सो से हाय राजन, इधर इधर देख कर थोड़ा शर्मीला है, वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह में ज़्यादा उसको वो नहीं है। सो मेरे साथ आया है ब्लॉग के लिए। सो मैं आपको अब लेके चल रहा हूँ शनि मंदिर की तरफ, आपको मैं शनि मंदिर और वीडियो वगैरह दिखाऊँगा। हेलो, जैसा कि मैंने कहा था हम आपको अब शनि धाम लेके चल रहे हैं। सो शनि धाम हम आ गए हैं, बोलिए शनि देव की जय। ये हम शनिदेव मंदिर की तरफ आए हुए हैं, शनिदेव महाराज की जो देखिए दिखा रहे, ये शनिदेव भगवान है, बोलिए शनिदेव भगवान की जय। ये शनिदेव महाराज का मंदिर है यहाँ तिलवारा में, दर्शन कीजिए। हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं बड़े पुल के ऊपर जिस जहाँ से मैं आपको पूरा तिलवारा घाट का, नर्मदा नदी का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से जाली लगी हुई है, नहीं तो मैं और आपको पास जाकर दिखाता। जाली इसलिए लगाई गई है क्योंकि यहाँ से लोग सुसाइड वगैरह करते थे, इसलिए यहाँ पर ये पूरे में जाली लगा दी गई है। कुछ टाइम पहले ही लगाई गई है, इसी लिए पूरे में जाली लगाई गई है। यहाँ से देखिए, मैं आपको जितना दिखा सकता हूँ उतना मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ। ये पूरा ऊपर से जो देखिए पूरा पुल का व्यू है, ये बड़े पुल का व्यू है जो अभी बना है कुछ टाइम पहले ही, ये वाला पुल। ये देखिए पूरा, ये हाईवे रोड है जो आगे जाकर नागपुर को टच करती है, ये पूरा हाईवे रोड है यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।